इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मेट्रो अल्मीरा, मजबूत, खूबसूरत और भरोसेमंद अल्मीरा। आज लगभग एक वर्ष बाद अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी जी अमेठी के राजनीतिक पर्यटन पर आ रही हैं या दौरे पा रही हैं, कह पाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन एक चीज स्पष्ट है, अपने 5 साल के कार्यकाल में लगभग 30% हिस्सा बिता जाने के बाद भी अमेठी की सांसद अमेठी इसलिए आ रही हैं क्योंकि उनको पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर जाना है। भारत सरकार के सारे मंत्री भेजे जा रहे हैं। कहीं पश्चिम बंगाल में, बिहार में लोग पूछने न लगे, वाराणसी जैसे हाल ना हो जाए, या पश्चिम बंगाल के लोग भी पूछ सकते हैं, बिहार लोग पूछ सकते हैं कि आखिर आप एक वर्ष से अपने संसदीय क्षेत्र से लापता थी, वहां के लोग पोस्टर लगाए थे, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आपको खोज रहे थे, वहां के लोग आपको, जिन्होंने आपको वोट दिया था वो खोज रहे थे, आप कहां थी? आखिर बिहार और पश्चिम बंगाल आई हैं, अमेठी कब जाएंगी? शायद इसलिए खाना पूर्ति करने मात्र आई होंगी। लेकिन इतिहास अपने आप को दोहराता है। अमेठी में उन्होंने इसके पहले अपने 1.5 वर्ष के कार्यकाल में कुछ घंटे बिताए हैं, जिसका आंकड़ा मैंने दिया है। शाम को उनके जाने के बाद कितने घंटे अमेठी में व्यतीत किए हैं इसका आंकड़ा दूंगा। लेकिन अमेठी के लोग सवाल पूछते हैं, आखिर आपने अमेठी में किया क्या? एक सामान्य सांसद से भी कम काम अमेठी में कर सकी हैं। पहले जब राहुल गांधी जी अमेठी सांसद हुआ करते थे तो अमेठी जब जब आते थे, अमेठी में किसी न किसी विकास योजना का शुभारंभ करने आते थे या किसी शुरू हो गई योजना का उद्घाटन करने आते थे। और दुख इस बात का कि अमेठी की सांसद अमेठी में राजनीतिक पर्यटन करने और खबर बनाने आती हैं। यहां एक ऐसी योजना नहीं आ सकी जिसका वर्णन किया जा सके। हमारे समस्त पड़ोसी जनपदों में एक योजना की बात करती हैं मेडिकल कॉलेज की। हमारे पड़ोसी जनपद रायबरेली में एम्स स्थापित होकर शुरू हो गया, प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज शुरू हो गया, सुल्तानपुर में शुरू होने वाला है। ये भारत सरकार की ऐसी योजना थी जिसे पूरे देश में शुरू होना है, अमेठी सबसे पीछे है। इसका मतलब हमारा सांसद भी गैर जिम्मेदार है। यूं कहें कि जो एक बटेर उनके हाथ लगा था उसे बार बार पाने की उनकी इच्छा नहीं है। वो समझ चुकी हैं कि अमेठी के लोग चीजों को समझते हैं। धोखा कोई आदमी एक बार खाता है, बार बार नहीं खा सकता है। अमेठी की सड़कें जो राहुल गांधी जी ने बनवाई थी उनमें गड्ढे भराने की जरूरतें पड़ रही हैं और हमारी सांसद उसमें गड्ढे नहीं भरवा पा रही हैं। अमेठी सवाल पूछता है, आखिर ये घंटे घंटे भर का पर्यटन अमेठी में कब तक चलता रहेगा? अमेठी के साथ हमारी सांसद स्मृति ईरानी जी ने जो अमेठी के लोगों से वादे किए थे, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से जो वादे किए थे, उन वादों को कब पूरा करेंगी? और एक सामान्य सांसद से भारत सरकार की मंत्री कब दिखेंगे अपनी पार्लियामेंट में, ये अमेठी के लोग जवाब चाहते हैं। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।